नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जुबैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर पंजाब की सियासत से जुड़ी हुई है, पंजाब चुनाव से जुड़ी हुई है। आज सीएम चेहरे का ऐलान कर सकती है कांग्रेस। शाम करीब 7 बजे पंजाब में सीएम चेहरे का ऐलान हो सकता है। पंजाब कांग्रेस ने सिद्धू और चन्नी का एक वीडियो ट्वीट किया है और इसीलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन दो नेताओं में से किसी एक के चेहरे को कांग्रेस आगे बढ़ाएगी। हालांकि सिद्धू चाहते रहे हैं, उनकी महत्वाकांक्षा रही है कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री बने, कम से कम चुनाव में उनके चेहरे को आगे बढ़ाया जाए और उनके चेहरे पर चुनाव लड़ाया जाए। इसीलिए पंजाब मॉडल का जिक्र बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो करते रहे और आज कांग्रेस ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दिखाई दे रहे हैं और प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू साहब दिखाई दे रहे हैं। इधर पटियाला शहर से विष्णु शर्मा ने नामांकन पर्चा भरा है। बता दें कि पटियाला शहर से कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पर्चा भर चुके हैं। आपको बता दें कि विष्णु शर्मा कांग्रेस से ही पूर्व मेयर हैं और उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर अकाली दल में शामिल हुए थे और इस बार विष्णु शर्मा कांग्रेस से कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं। पटियाला शहरी सीट से विष्णु शर्मा जी ने आज नामांकन किया है, बात करते हैं। हाँ जी शर्मा जी, आपने अब नामांकन किया, उसके बारे में आपका क्या कहना था? आज असी नामजदगियाँ दाखिल करके आए हैं और परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद लैके असी अज उत्थे नामजदगियाँ दाखिल कीतियां ने और अज साडी जिहड़ी चोण मुहिम अज तो असी शुरू करन जा रहे हैं और लोगों का एडा वड्डा रिस्पोंस मिल रहा है भी लोग तो यह कह रहे हैं शर्मा जी भी ये इलैक्शन असी आप लड़ांगे, क्योंकि पिछले समय के अंदर लोगों इन प्रॉब्लम आ रही सी, कोई उन्होंने कोई कम कार है, कोई होर है, उन्होंने टाइम लेना पैंता, टाइम लैके भी नहीं मिलते सी। इस करके लोग तो हुण इन्ने उतावले होए हुए ने भी शर्मा जी ये थोड़ी चोन तुहाडा नहीं, ये साडा चोन है। घर घर जिथे भी मैं जा रहा लोगों का इन्ना उत्साह इन्ना उन्होंने मैं मिल रहा है भी मैं आप हैरान है भी लोगों के अंदर इन्ना जोश इन्ना उत्साह। किन एजेंडों को लेके आप उतरे हो? साडे जिहड़े एजेंडे ने बाकी तो साडा सब तो पहली गल तो साडे कांग्रेस हाई कमांड का जिहड़ा मैनीफेस्टो होएगा उहदे ते असीं काम करना है। जिहड़ी दूजी गल है साडे पंजाब दे अंदर खास करके उरे पटियाला शहर दे अंदर बहुत साडे इत्थे बेरोज़गारी है, जिहड़ा साडा पहला एजेंडा असीं इंडस्ट्रियल हब बनाउणा इहनूं है और जिहड़ा साडे घर घर बच्चिआं नूं नौकरी मिले, क्योंकि जिहड़ा पटियाला शहर है इत्थे जुत्तियां दे नाल नालियां दे नाल परांदियां दे नाल सारे देश विदेशों तक मशहूर थी, लोग इतों दूरों दूरों लैन आते सी। अज उस नूं उत्साहित नहीं किया गया, उस वल कोई ध्यान नहीं दिता गया। मेरा यही एजेंडा होएगा घर घर के अंदर लोगों को रुजगार मिले, लोगों को बाहर ना जाना पवे, हर बंदा कहे भी जी असी तो पटियाला शहर का ही मॉडल होना चाहिए। मेरी यह सोच है भी साढ़े बच्चे जिहड़े नौकरियां वास्ते बेरोज़गारी इन्नी हुई भी है उन्होंने असी खत्म करना है, साढ़े बच्चों नौकरियां मिलन। शर्मा जी, पिछले कई समय से कांग्रेस से लोग बड़े नाराज़ थे या कई एमसी आपस में बटे हुए थे, क्या आप उन लोगों को इकट्ठे कर पाओगे? मैं क्या उन्होंने सारे इकट्ठे करांगे असी और मैनू उन्होंने आप मैसेज आ रहे हैं, मैं उन्होंने को आप भी जा रहे हैं सारे को, सारे असी घर तो बाहर कढ़ के लियावांगे, क्योंकि लोग जिहड़े इन्होंने पिछे 4.5 साल 5 साल इग्नोर करके रखिया कांग्रेस के वर्करां नूं, अज उन्होंने अंदर बहुत बड़ा उत्साह है और वो सारे अपनी कमान कांग्रेस पार्टी की संभालने वास्ते तैयार बैठे। सो ये थे विष्णु शर्मा जी, जिन्होंने आज पटियाला शहरी से आज अपना नामांकन भरा। पटियाला से कैमरामैन साहिल के साथ जसबीर सिंह। पंजाब सफाई कर्मचारी कमीशन के चेयरमैन गेजा राम वाल्मीकि ने कांग्रेस को वोट न डालने की अपील की है। गेजा राम वाल्मीकि ने कांग्रेस पार्टी पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया है, वहीं कांग्रेस को वोट न डालने की अपील के साथ अभियान भी शुरू किया है। और जिहड़ियां साडियां टिकटां कट्टियां ने फिरोजपुर जेतों ਉੱਚੋ ਬਲੌਟ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਟਿਕਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਾਲਮੀਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। और पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे कम पसंदीदा संभावितों में से थे। दरअसल सुनील जाखड़ का एक वीडियो वायरल हो रहा है,
उसमें वो इस तरह के दावे करते नजर आ रहे हैं। सुनील जाखड़ का ये वीडियो ऐसे समय आया है जब पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में कांग्रेस का सीएम चेहरा बनने के लिए आमने सामने हैं और कांग्रेस सीएम चेहरे के लिए सर्वे कर रही है और आज शाम 7 बजे सीएम के चेहरे का ऐलान भी हो सकता है। और इन्हीं सब के बीच कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का एक वायरल वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी छोड़ी, जब उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, तो ये दोनों चेहरे सबसे कम पसंदीदा चेहरों में शुमार थे। महज 14 साल की रोहतक की बेटी उन्नति हुड्डा भारत की नई बैडमिंटन सनसनी बन गई हैं। ओडिशा में आयोजित 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट में उन्होंने स्मित तोशनीवाल को हराकर ओडिशा ओपन टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्नति सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे युवा भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि से पूरे हरियाणा में खुशी का माहौल है। इसे लेकर हमारे संवाददाता देवेंद्र शर्मा ने उन्नति हुड्डा से बात की। भारतीय बैडमिंटन स्टार ज्वाला गुट्टा, साइना नेहवाल और पीवी सिंधु ने बैडमिंटन के खेल में अपने कौशल का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए रोहतक की उन्नति हुड्डा मात्र 14 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने में कामयाब रही है। उनकी कामयाबी के पीछे क्या राज है और उनका क्या लक्ष्य है, ये जानने के लिए आज हम उन्नति के घर पहुंचे हैं। न्यूज इंडिया से बात करने के लिए उन्नति आज हमारे साथ है। उन्हीं से जानेंगे कि उन्होंने कहाँ कौन सा टूर्नामेंट जीता है और कितना संघर्ष किया है। उन्नति, न्यूज इंडिया के लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई न्यूज इंडिया की तरफ से। थैंक यू। रिसेंटली मैंने अभी ओडिशा ओपन 2022 जो 25 जनवरी से 30 जनवरी तक हुआ है, मैंने उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है। मेरे को उस टूर्नामेंट में खेल के बहुत प्रसन्न हूँ और मैं बहुत अच्छा खेली। मेरे को वहाँ से अपने सीनियर प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिला और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपने कब से शुरू किया था और बैडमिंटन किसको देख के आपने चुना? मैंने जब मैं 7 साल की थी तब से खेल रही हूँ और छोटूराम स्टेडियम रोहतक में ही खेल रही हूँ और प्रवेश कुमार मेरे कोच हैं। अब जो है, जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उसके हिसाब से आप किसको अपना आदर्श मानती हैं और किस तरह की प्रैक्टिस आप कर रही हैं? मेरे को सबसे अच्छा खिलाड़ी बैडमिंटन में पीवी सिंधु लगती है क्योंकि वो उसकी जो डिटर्मिनेशन है और जो हार्डवर्क है बैडमिंटन के प्रति बहुत अच्छा है और वो 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट भी है। उसने एक बार सिल्वर मेडल और एक बार ब्रॉन्ज मेडल भी लिया है। तो हरियाणा में जिस तरह से कुश्ती का काफ़ी प्रचलन है, कबड्डी का है, हॉकी का भी है, बैडमिंटन का कम देखने में मिलता है। हालांकि हरियाणा खेलों का हब माना गया है और उसी के लिए जाना जाता है क्योंकि जिस तरह से हमारे खिलाड़ी निकल कर आए हैं, ओलंपिक में भी जीते हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई टारगेट आपने निर्धारित किया होगा। उम्र अभी छोटी है, क्या क्या किस तरह से पड़ाव है और रोहतक में कितना संघर्ष आपने करना पड़ा? फैसिलिटीज़ अब हरियाणा में भी बैडमिंटन को दी जा रही हैं, पहले कम था पर अभी बहुत बच्चे निकल के आ रहे हैं हरियाणा से भी बैडमिंटन में। दो चीज़ें उभर कर सामने आती हैं, एक तो हरियाणा जो है खेलों का हब माना गया है, उसमें एक कड़ी और उन्नति हुड्डा के रूप में जुड़ने वाली है। दूसरा, बेटियों को कितना आज प्रेफर किया जा रहा है, ये एक ज्वलंत उदाहरण हमें यहाँ इस परिवार में देखने को मिल रहा है। बहरहाल जिस तरह से बुलंदियां छू रही है उन्नति, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उम्मीद है कि ये आगे चल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ख्याति प्राप्त करेगी। कैमरामैन परविंद्र कौशिक के साथ न्यूज इंडिया के लिए रोहतक से मैं देवेंद्र शर्मा। और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कांग्रेस ने पेगासस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने के लिए बीजेपी दफ्तर पर मोर्चा खोल दिया है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की है। नारेबाजी करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। इस स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता शुभम पांडे ने। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में दावा किया गया है कि साल 2017 में भारत और इजराइल के बीच पेगासस नाम के एक सॉफ्टवेयर के बीच 15,000 करोड़ रुपए का जो है सौदा हुआ था, जिसको लेकर अब कांग्रेस जो है सत्ता में बैठी जो भारतीय जनता पार्टी है, सरकार है, उस पर आक्रामक हो गई है। और मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कांग्रेस जो है बीजेपी के दफ्तर पर जो है अपना प्रोटेस्ट करने जा रही है, लेकिन अब
भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। तस्वीरों में इस वक्त देख सकते हैं मुंबई के दादर इलाके में इस वक्त मौजूद है, जहां पर नारा दिया जा रहा है कि सोनिया गांधी जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है और उसी के साथ टीपू सुल्तान के नाम पर भी बवाल मचा हुआ है। पेगासस सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें दावा किया गया था कि जो भारत के बड़े बड़े लोग हैं, चाहे पत्रकार हों चाहे बड़े नेता, उनके फोन टैपिंग जो है इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा था। 2017 में भारत और इजराइल के बीच ये सौदा हुआ था तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए का। अब इस बात की खुलासा हुई है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में जो आर्टिकल छपा है उसमें कहा गया है कि सरकार जानबूझकर कई सारे लोगों की फोन टैपिंग करा रही थी। इस वजह से कांग्रेस को बैठे बैठे यहाँ पर मुद्दा मिल गया है और सरकार पर जो है सत्ता में बैठी जो मोदी सरकार है इस पर आक्रमण। संसद भवन में भी आज इस मामले पर जो है गहमा गमी हुई है, इस पर चर्चा की जा रही है सदन में, क्योंकि जिस तरीके से जो खुलासे हुए हैं कि भारत और इसराइल जब प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त इसराइल गए थे वहां पर उनके ऊपर ये सॉफ्टवेयर को लेकर जो है सौदा हुआ था और इसमें फोन ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया था ताकि लोगों के फोन जो है वो ट्रेस किए जाए। इसमें कई सारे पत्रकार थे, कई सारे राजनेता थे, कई सारे व्यापारी थे। इसके बाद ये मुद्दा पिछले साल फिर गरमाया था लेकिन अब जो है इसकी चर्चा फिर से शुरू हो चुकी है। कैमरन बाबू राउत के साथ शुभम पांडे, न्यूज इंडिया, मुंबई। अटल आशीर्वाद योजना के तहत नवजात शिशुओं को दी जाने वाली बेबी केयर किट में 6 नई वस्तुएं शामिल की गई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसका टेंडर फाइनल कर दिया है। मार्च महीने से नवजात बेबी केयर किट में 18 वस्तुएं उपलब्ध होंगी। इसे लेकर सोलन में कांग्रेस प्रवक्ता कुशल जेठी ने स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले को लेकर सवाल उठाए। जय श्री राम का नारा लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग और उसकी सरकार का आज चेहरा सामने हमने कुछ करने की कोशिश करी है, उनका असली चेहरा दिखाने की कोशिश करी है कि जिन लोगों ने एक दूध मुए बच्चे और उसकी जननी को भी नहीं बख्शा, वहां पर भी भ्रष्टाचार किया, आज उसका तथ्यों के साथ हमने खुलासा किया। और मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी कि इसकी जांच की जाए कि इस अटल आशीर्वाद योजना का जिसकी आपने शुरुआत एक बड़े अच्छे ढंग से करी थी और हम इसके पक्ष में है कि ऐसे काम समाज के लिए होने चाहिए, लेकिन आपके द्वारा की गई इस योजना का दुरुपयोग किन लोगों ने किया, कौन लोग इसमें शामिल हैं, जो समान बच्चों को नवजात बच्चों को आपके अस्पताल में सप्लाई किया जा रहा है वो नॉन ब्रांडेड बिल्कुल घटिया किस्म का और बच्चे और उसकी माँ के लिए हार्मफुल भी हो सकता है और वो 1,074.98 रुपये में सरकार खरीद रही है। हम लोगों ने वो समान बाजार से खरीदा ब्रांडेड कंपनी का, वो 500 रुपये से ऊपर उसकी कॉस्ट नहीं आई है। तो जयराम सरकार जी उठो जागो और इसकी जाँच करो, जो भी अधिकारी या नेता आपका मंत्री इसमें इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कार्रवाई करो और इसकी जांच करके जनता के सामने इस तथ्य को आपको लाना चाहिए। पूरे हिमाचल प्रदेश के साथ साथ सोलन के एनएचएम अनुबंध कर्मियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक दिन के सांकेतिक हड़ताल के साथ एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया। जिला सोलन में लगभग 100 एनएचएम अनुबंध कर्मी है जो अपनी मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन के एनएचएम अनुबंध कर्मी भी हड़ताल पर रहे। हमारा जो मेन मकसद था कि हमारे लिए एक रेगुलर पॉलिसी बनाई जाए और जब तक पॉलिसी नहीं बनती है तब तक सारे एम्प्लॉयज़ को रेगुलर पे स्केल दिया जाए, उसके लिए हमने 5 जनवरी से शुरू किया था ये कार्यक्रम और 5 जनवरी को ही हम लोगों ने सरकार को अधिकारियों को नोटिस जारी किया था कि 26 जनवरी तक हमारे लिए कोई भी घोषणा की जाए जिसमें हमारे लिए जो हम लोगों की डिमांड है उसके हिसाब से हमें बेनिफिट दिया जाए, लेकिन 26 जनवरी से लेके कुछ नहीं हुआ। फिर हमारा डिसाइड हुआ था कि 27 से हम काले बिल्ले लगाएंगे जो कि हम लोगों ने आप देख ही रहे हैं कि 26 से लेके आज तक लगाए थे। 2 को हमारा एक दिवसीय सांकेतिक जो काम छोड़ो आंदोलन का प्रोग्राम था वो भी हमने किया, लेकिन अभी तक सरकार ने ना हमें हमारे किसी भी राज्य स्टेट लेवल की जितनी भी कमेटी है उसमें से किसी को बात के लिए नहीं बुलाया है, कोई भी मध्यस्थता के लिए नहीं बुलाया गया है। जब भी बुलाया जाएगा तो तब तक हमारा जो ये काम छोड़ो आंदोलन है ये चलेगा। हिमाचल के ऊना शहर की नगर परिषद ने अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। 1 साल के कार्यकाल के दौरान नगर परिषद ऊना ने करोड़ों रुपए के विकास कार्य भी पूरे किए हैं। वहीं नगर परिषद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा मीडिया से साझा की।
आज हमारे जो कार्यालय का कारोबार हमने संभाला है उसका एक साल पूरा हमारा हो चुका है आज की डेट में, और मैं उनके बारे जो हमारे एक वर्ष में काम हुए हैं उनके बारे में मैं अपने नगर परिषद ऊना शहर के वासियों को इस साल की यो कामों के बारे में बताना चाहती हूँ। उसमें हमारे जो काम हुए हैं 1,12,05,000 के काम हमारे हो चुके हैं, और उसके अलावा हमारे 22,25,000 के टेंडर हमारे ऊना शहर के कामों के लग चुके हैं। उसके अलावा हमारे 10,96,00,000 कार्य जो वो हमने जो शेड्यूल बनाए हुए हैं वो काम हमारे लगने वाले हैं, और इसमें हमारे बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे हमारा चंद्रलोक कॉलोनी में एक पार्क बन रहा है, उसके बाद हमारा राधा स्वामी सत्संग घर बैक साइड में एक पार्क बन रहा है, और उसके अलावा हमारे पास जो पानी की समस्या थी ऊना शहर के अंदर बहुत लंबे टाइम से उस केंद्र सरकार के बजट पर तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने वित्त मंत्री सीतारमण को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया, बजट में ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा मिला है जिसके लिए आईटीआई में ड्रोन सेंटर खोले जाएंगे और जल्द ही नए प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। ड्रोन टेक्नोलॉजी को हम यहाँ पर लेके आए थे, आज मैं बजट देखा था उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि अब जो है आईटीआई के अंदर जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी को हम ये शुरुआत करेंगे, ट्राइबल इलाकों के अंदर दूर दराज इलाकों में शुरू करेंगे, इसका लाभ किस तरह दे सकते हैं जिस और आईटीआई में जो है ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। हमने इसकी शुरुआत पहले ही हम हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है शाहपुर के अंदर कर चुके हैं, और मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि ये इस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिला है, और इस ड्रोन टेक्नोलॉजी को जो है हम एक नए कोर्सेज के रूप में यहाँ भी ये भी कहा गया आईटीएस के माध्यम से कहा कि नए कोर्सेज के लिए हम उस कोर्स को जो है नए कोर्सेज हम शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो आईटीएस के अंदर हो चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर हो चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर हो, इन नए कोर्सेज को हम शुरू करना चाहते हैं और ड्रोन से मॉनिटरिंग करना चाहेंगे, और ताकि हमारे नौजवानों को हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है ड्रोन पायलट बनने का मौका मिले। और साथ ही बजट जो है कृषि पर बल दिया गया है, मैं देखा था कृषि के ऊपर कहा है कि हमारा हिमाचल प्रदेश जो प्राकृतिक खेती वो कहा गया कि उस प्राकृतिक खेती को के लिए बढ़ावा देने के लिए कहा है और एफपीओ बनाने की बात की है, और हर मैं देख रहा हूँ हर बल हर समाज के हर बल को जो है को बढ़ावा देने की बात किया है, और बजट में जो समग्र बजट की बात की गई है। रीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर जयपुर में महात्मा गांधी सर्किल पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, वहीं विरोध प्रदर्शन करते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। तो यहां पर रीट परीक्षा में धांधली को लेकर के प्रदर्शन का दौर देखने को मिला है, इस तरीके से प्रदर्शन हुआ है, पूरे मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी सीबीआई से कराने की मांग की गई है। वहीं देश में डिजिटल करेंसी को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं क्रिप्टो करेंसी को लीगल करने के बाद इससे जुड़े लोगों में बेहद खुशी की लहर है। इस पर हमारे संवाददाता दीपक चावला ने क्रिप्टो करेंसी से जुड़े लोगों से खास बातचीत की। देश के अंदर डिजिटल करेंसी को बढ़ावा दिया है और इसी के तहत अब ये बजट आया है, क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया गया है। क्रिप्टो करेंसी क्या है, डिजिटल करेंसी क्या है, इन सब के सवाल के जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ युवक है जो कि सालों से क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए हैं। सर एक पहले तो क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया है, इसके लिए गवर्नमेंट को क्या कहेंगे और इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी होता क्या है? पहली बात तो गवर्नमेंट के लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहेंगे कि आप फाइनली क्रिप्टो करेंसी को लीगल किया है और उस पर टैक्सेशन भी लेके आई है, जो कि हम जैसे यूथ के लिए बहुत एक प्रॉब्लम हो रही थी कि कभी इस पर रेगुलेशन आएगा कभी इस पर टैक्सेशन आएगा ताकि हम इसको प्रॉपर तरीके से कर पाएँ। दूसरी चीज़ क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक वर्चुअल मनी होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते, जो कि इंटरनेट बेस्ड होता है और ये सारा सिस्टम ब्लॉकचेन के ऊपर चलता है। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी होती है जो कि नॉन हैकेबल होती है और नॉन एडिटेबल, तो यहाँ पे ये केवल ना कि हमारे पैसे के ऊपर काम करेगा, ये हर चीज़ में काम करेगा ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में आपके JDA पट्टे हो गए जो कि अभी बहुत सारी चीज़ें स्कैम वगैरह होते हैं, तो ब्लॉकचेन में वो सारी चीज़ें बचेंगी, तो पट्टे वगैरह जो भी सारी चीज़ ब्लॉकचेन पे मिलेगी। दूसरी क्रिप्टो करेंसी के आने वाले फ्यूचर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे जो यूथ है बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका है तो उसके लिए इसमें एक रोज़गार की बहुत एक होप जागी है। दूसरा गवर्नमेंट के पास टैक्स नहीं जा पा रहा था,
क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस ठप हो गए जिसकी वजह से टैक्स टाइम पर नहीं जा पा रहा था। तो क्रिप्टो में बहुत सारे लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है बट वो उसको खुल के इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। अब गवर्नमेंट ने अपनी सारी चीज़ें सामने रख दी हैं तो उसमें अपनी ट्रेड भी कर पाएंगे और गवर्नमेंट को टैक्स भी पहुँचेगा, इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और हमारी कंट्री की डेवलपमेंट भी होगी। आप भी क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए हैं, इससे अपन शॉपिंग वगैरह या कुछ सब कर सकते हैं? हाँ, आजकल तो फ्लिपकार्ट का भी सुनने में आया है कि फ्लिपकार्ट ने अपने शॉपिंग के अंदर पोर्टल पे एक बिटकॉइन का ऑप्शन दे रही है, गूगल पे भी दे रही है, अमेजन पे भी दे रही है और बहुत सारे ऐसे एक्सचेंज है जैसे कि जेपे का सुनने में आया था कि जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं ठीक है उनसे उन्होंने कोलैबोरेट कर लिया है, वो वहाँ अपना स्कैनर रखेंगे, आप गूगल पे फ़ोनपे के थ्रू स्कैन करके बिटकॉइन के थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बिटकॉइन या किसी भी करेंसी के थ्रू जो क्रिप्टो में इस समय रनिंग है। हाँ, तो बिल्कुल ये थे जयपुर के युवा जो कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में बता रहे थे और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा खुश भी ये युवा नज़र आ रहे हैं क्योंकि सालों से क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी अब लीगल हो गई है। सहयोगी जीते के साथ मैं दीपक चावला, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। वैसे क्रिप्टो करेंसी पूरी तरीके से लीगल तो नहीं हुई लेकिन उस पर सरकार ने 30% टैक्स जरूर लगा दिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जोधपुर के राता नाड़ा इलाके के लॉर्ड इन होटल की सातवीं मंजिल से कूदकर युवती की आत्महत्या की कोशिश मामले में अब नया मोड़ आ गया है। इस मामले में आरोपी युवती को ब्लैकमेल करने के साथ ही उसे किसी राजनीतिक हस्ती के पास भेजने की तैयारी चल रही थी। हालांकि पुलिस ने इस मामले में एक युवक और युवती को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मॉडलिंग का काम करने वाली युवती को साड़ियों की मॉडलिंग के लिए उदयपुर ले जाया गया जहां उसके नहाते समय का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। फिलहाल उसका यह काम था कि उसको फाइल लेके एक नेता के पास जाना था और जाने के बाद में उसे उस फाइल पे अप्रूवल कराने की बात थी। उसमें हमने जो इन्वेस्टिगेशन में अभी तक सामने आया है इस बात को, ये जो अक्षत और दीपाली है इसके ही मन में ये बात थी, उधर से किसी प्रकार का कोई सिग्नल नहीं था। उस टाइम तो जो सिंपल परिवादी होते हैं जैसे लोग हमारे पास भी आते हैं और भी जगहों पे जाते हैं तो वैसे ही सिंपल परिवादी की तरह इसको जाना था। मुंबई के घाटकोपर पुलिस ने सराहनीय काम किया है। आत्महत्या कर रहे युवक की जान पुलिस ने बचाई है। पुलिस ने 12 लाख रुपए के कर्ज में डूबने से युवक ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। आत्महत्या से पहले युवक ने फेसबुक में पोस्ट डाला था जिसकी सूचना पर पुलिस ने युवक की जान बचाकर उसे परिजनों को सौंप दिया है। एक फेसबुक पोस्ट, एक 33 ईयर बाय प्रोफेशन एडवोकेट थे, उन्होंने फेसबुक पे वो सुसाइड करने जा रहे ऐसी पोस्ट वायरल की थी। उसके बाद उनके जो रिलेटिव है घाटकोपर में रहने वाले उनके रिलेटिव हमारे पास आए, हमने इमीडिएट एडल्ट मिसिंग रजिस्टर किया था और इमीडिएट उनके सूचना के तहत हमने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। ये जो पोस्ट वायरल थी उसमें जो लिखा गया था कि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है और अपनी फैमिली का वेलफेयर नहीं देख सकते इसलिए वो सुसाइड करना चाहते हैं, ऐसे उसने लिखा था, वो सुसाइड करने जा रहे। और आपको सीधे लिए चलते हैं मथुरा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं सुनते हैं। तो दिए जाते हैं और उस दायित्व के निर्वहन के दिश से श्री मेघ श्याम सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में भेजा। और भाइयों बहनों, यहां पर जैसे हेमा मालिनी जी के नेतृत्व में ब्रजतीर्थ विकास परिषद आज बहुत काम कर रहा है, दुनिया की सुंदरतम नगरी को, इस ब्रज क्षेत्र को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में वे भगवान की लीलाओं के जीवंत दृश्य प्रस्तुत करने का कार्यक्रम आपने देखा होगा। यहां का बस अड्डा कितना भव्य बना है, ऐसा होना चाहिए बस अड्डा तो, जहां पे जनता को सुविधा मिल सके। विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी है, सही दिशा में चल रही है। आज बेटियां सुरक्षित हो सकती हैं, किसान खुशहाली की ओर जा सकता है। किसानों का कर्ज माफी हमारी सरकार ने किया था और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी उत्तर प्रदेश के अंदर 2,54,00,000 किसानों को सालाना 6,000 रुपए मिल रहे हैं। और अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद देखिए इंडिया का सवाल, वरिष्ठ सहयोगी मनीष अवस्थी के साथ।